ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, बहुत गुस्सा। वाह, कल्पना ही बहुत ही अजीब है, बट एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई बहुत ही गुस्सा करता है, और मैं भी कहूँ इसमें से, मुझे तो बीपी का इश्यू, तो कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ पड़ता है एकदम से। तो ये उसके बारे में रीडिंग है। एंड यस, आई एम बैक विद द लाफिंग फैक्टर। चलो भी हम रीडिंग करने वाले हैं, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीडिंग? टोटल हमने लिए दो ऑब्जेक्ट्स, ये है टैरो और ये है वो ओरैकल जो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आई थिंक शी लाइक्स दिस ओरैकल लाइक अ लॉट। चलो हम करते हैं रीडिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो भाई, ये कार्ड आ गए, कितने कार्ड आ गए देखते हैं। चार कार्ड आ गए, ठीक है, और हमें तीन कार्ड चुनने हैं। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, चलो चार तीन सात कार्ड आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है भाई, ये रिवर्स और स्ट्रेट वाली रीडिंग है, तो देखते हैं हम इसे कैसे लेंगे। आई डोंट नो, मैंने तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी चलो भी देखते हैं कि कैसे रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मैं करता हूँ इसे स्ट्रेट। ठीक है, हम इनके दोनों जवाब देखेंगे, स्ट्रेट और रिवर्स। ओके भाई, टू ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, आखिर क्यों तुम मुझसे बात नहीं करते, आजकल तुम पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारी लाली कहाँ गई, गाल क्यों, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा है, मे बी आपकी किसी कही हुई बात के ऊपर नाराज है, कि या तो आप पहले जैसे उनसे बात नहीं करते, हाल ही में अगर आपने अपने रूप में कोई बदलाव किया है, या फिर ड्रेसिंग स्टाइल में बदलाव किया, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी ऐसी जगह पे खाना खाने के लिए इनको ले जाएगा जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपसे खफा या फिर कोई गुस्सा इसलिए है बिकॉज उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, या तो वो बहुत कुछ करना चाहते थे और वो हो नहीं पाया, इसलिए जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। हालांकि अगर हम स्ट्रेट कार्ड देखें टू ऑफ वॉन्ड्स का, एरीज, लियो, सैज के लिए, तो ये रीडिंग आता है कि भी ये आपके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहता है जो उसे नहीं मिल रहा है, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो आप इनको समय नहीं दे रहे हैं। जितना समय इनको मिल रहा है सारा समय उनके ट्रैवलिंग में, उनके जॉब में, उनके ऑफिस काम में, उनके पढ़ाई में, वहीं पर जा रहा है, और आप दोनों के रिश्ते के लिए इनको समय नहीं मिल रहा है, वो एक गुस्से का कारण है। ठीक है, सेकेंड कार्ड है वो है, मुझे भी देखना पड़ेगा कौन सा कार्ड है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है रिवर्स में। देखते हैं रिवर्स और स्ट्रेट में इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, मतलब कि इनके दिल की हालत आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो। ठीक है, आजकल ये जो सोच है आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, या फिर आप इनसे जुदा हो चुके हो। ठीक है, या तो फिर आपका एक्स बन चुका है, इनके हिसाब से आपके साथ शायद नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनकी बातें नहीं मान रहे हो, आप इनके फोन मैसेजेस रिसीव नहीं कर रहे हो। हालांकि देखो कुछ कुछ ऐसे बातें होती हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फ़ोन ख़राब हो गया, या फिर मन नहीं करता कि आज किसी का फ़ोन ले, या फिर कि भाई दर्द कर रहा है पूरी बॉडी, तो नहीं चाहते कि हम फ़ोन भी उठाए हाथ में, तो कई सारे रीज़न हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि जो स्ट्रेट रीडिंग है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, वो ये कि भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब जो इनको तवज्जो देना चाहिए कि भाई आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, ये हो, वो हो, मतलब उनकी तारीफ के पुल आजकल इतने कम क्यों बांध रहे हो, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, थर्ड कार्ड जो आ गया, अगेन रिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स, और ये स्ट्रेट भी है, तो देखो दोनों हम रीडिंग करते हैं। देखो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस के लिए कार्ड, और रिवर्स में क्या मीनिंग आती है एट ऑफ सोर्ड्स की, कि आप इनके दिल के बहुत करीब आ रहे हो, लेकिन आप अभी तक उनसे वो नहीं कह पाए हो जो इनको सुनना है। शायद आप दोनों मिलते हो बट एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ लवर। शायद आप दोनों बहुत करीब आते हो लेकिन आप जानबूझ के लिमिट डालते हो वहाँ पे, या फिर आप दूरियां बनाते हो, या फिर आप उन्हें टाइम तो देते हो लेकिन टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। स्ट्रेट रीडिंग अगर कहे तो इनके हिसाब से आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है भाई, जो रीडिंग आपको मैच हो वो ले लीजिए, वरना कहेंगे कि भाई ये तो रीडिंग मुझसे मैच हुआ नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे अगर
यू नो बातें वो ऐसे नहीं हो रही, या फिर आप बस इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन आप हिम्मत नहीं करते अपने दिल की बात कहने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहना ही चाहिए अपने दिल की बात, लेकिन अगर कहनी पड़े तो क्यों नहीं कहते। देखो आपकी कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि ऐसी कौन सी वजह है जो ये नहीं समझ पा रहे। तो कहीं इनको लग रहा है कि भाई ये उनकी लिमिटेशन है कि वो आपसे नहीं जान पा रहे हैं। डर लगा रहा है कि कभी ना कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएं और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आके आपके दिल में घर ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड ये है सिक्स ऑफ कप्स, अगेन रिवर्स, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की रीडिंग क्या है वो देखते हैं। देखो सिक्स ऑफ कप्स जो कार्ड आ गया रिवर्स में आ गया है कार्ड, इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपसे दूर होता चाह रहा है। उनको लग रहा है कि भाई आप किसी और के साथ मुलाकातें कर रहे हो, या फिर आपको कोई दोस्त है पुराना, या फिर यू नो जो भी है, मतलब सेम जेंडर की है या फिर व्हाटएवर डिफरेंट जेंडर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन के हिसाब से आप उनसे ज़्यादा बात कर रहे हो, इनसे ज़्यादा, या फिर जो सीक्रेट्स इनको मालूम होने चाहिए, जैसे कि आप दोनों आपकी फेवरेट प्लेस कहाँ पे है, आप क्या खाना पसंद करते हो, आपकी विश क्या है, उल्टा आपका वो फ्रेंड इनको बता रहा है कि ये उसकी विश है और मुझे उसने लास्ट बताया लास्ट डे, तो इनको फिर तकलीफ हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। स्ट्रेट अगर रीडिंग लें यहाँ पे तो क्या मिल रहा है रीडिंग, ये भाई कहीं ना कहीं चाह तो रहे हैं आपसे करीब आना, और आप करीब ला भी रहे हो लेकिन किसी और को भी बीच में ला रहे हो, सिर्फ आप दोनों नहीं मिलते, कोई और भी पर्सन आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट हो, आप किसी और का ऑरा पे प्रेजेंट करते हो, हमेशा किसी और के बारे में बात करना, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके भाई बहन, या फिर कोई कलीग हो गया, या फिर कुछ और कि आज मसला ये हुआ वो हुआ, वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं उसके पीछे एक वजह है, दे लाइक यू दे लव यू, लेकिन वो जो सुनना चाहते हैं शायद आप वो बयां नहीं करते। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, चाहते हैं कि आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा है कि आप कब इनको सही तरीके से जवाब दोगे, और एक वजह हो सकती है कि जो लोग इनको तकलीफ दे रहे हैं उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं, हालांकि सबक सिखा पाएंगे या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, बहुत चीज़ों से आक्रोश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और एक गुस्सा बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ रहा है, हालांकि पेरेंट जो है वो शायद इनको कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे एक बार एक इंसिडेंट दिखा था, हम जा रहे थे एक जगह और वहाँ पे अचानक से दिखा कि एक टेम्पो और एक क्रेटा का एक्सीडेंट हो गया था, और क्रेटा का जो हेडलैम्प था, सॉरी हेडलैम्प एंड आई थिंक रेयर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर जो टूट गया था, तो लड़का जो तेजी से बाहर आया और जो उसने मारा पीटी शुरू की उस यू नो टेम्पो वाले से, फिर उसके पेरेंट्स आ गए उसको रोकने के लिए, तो कभी भी आवेश बहुत बढ़ जाता है, हालांकि उसका फायदा होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ सॉर्ड, एज यू कैन सी अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, चाहते हैं कि भाई आप दोनों मिलके कन्फ्यूजन को क्लियर करें, या तो उनके हिसाब से आप कन्फ्यूजन ही क्लियर करना चाहते हैं, मतलब इनके हिसाब से या तो अभी आप रेडी हो इनके साथ बात करने के लिए तो ये जान पाएंगे कि आखिर आपका मसला क्या है, और अगर नहीं तो भाई हिसाब से आप कह लो कि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, एंड कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसी में जी लेंगे। ठीक है, एंड फिनाले कार्ड है थ्री ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, अगर आप इनका साथ नहीं देते या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है। ओके, और सैडनेस क्यों है यहाँ पे, देखो ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है कि कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो आपका पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, अब देखो आप तो अपने दोस्त को और अपने प्यार को अलग अलग रख रहे हो, लेकिन इनके हिसाब से आपकी सभी बातों के ऊपर इनका अधिकार है। ठीक है, आपकी हंसी के ऊपर, आपके क्रोध के ऊपर, आपके रोने धोने के ऊपर भी इनका अधिकार है, सबसे पहले इनको पता लगना चाहिए। अब कौन इन्हें समझाए कि जब कोई इंसान दुखी होता है तो सबसे पहले अपने दिल में उसको ढूंढता है जो सबसे पहले मिला हो, अब ये अभी मिले हैं, ठीक है, लेकिन कौन कैसे चाहेगा अभी अभी इनसे बात करूँ, शायद आपने बात करने की कोशिश की होगी या अच्छे मूड में होगी तो आपने नहीं बताया होगा, दिल में बात तो नहीं रख सकते, तो ऐसा कोई ढूंढते हैं जो हमें समझे और जिसका हम मूड भी स्पॉइल ना करें। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो, और देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, चलो देखते हैं। ओके, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो जो भी कार्ड्स हम डायरेक्टली देखते हैं, पहला जो कार्ड है वो है हाहा वेरी फनी फ्रेंडली चेयरफुल कॉर्डियल लाइट हार्टेड सोशल एंड कम्युनिकेटिव, चाहते हैं एक्चुअली आपसे ऐसे बिहेव करें, पार्टीज में मिले, यू नो पार्टीज की शान बने, और आप देखिए इनकी तरफ, सबको बताया कि यस ही इज़ माय लवर और ही इज़ माय बॉयफ्रेंड लाइफ शी इज़ माय गर्लफ्रेंड, तो ये चीज़ें करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं
वो अपने ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने ईगो में अटके हुए हैं एंड मोर देन दैट बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। देखो पार्टी में इनका क्या काम, अगर आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप जहां भी हो ये वहां पे उपस्थित रहेंगे, लेकिन आपको पार्टी पसंद है तो शायद ये एक मूवमेंट तैयार कर रहे हैं, या फिर जैसे कि आप मंदिर जा रहे हो तो ये भी मंदिर आ रहे हैं, लेकिन क्या उस हिसाब से जा रहे हैं? अगर मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है डैम दिस इज सो इंटरेस्टिंग, engrossed, interested, reflective, brooding, preoccupied, work oriented, ambitious. कहीं ना कहीं ambitious है ये person और चाह रहा है कि अपनी जिंदगी में और आगे चला जाए, ठीक है। हालांकि मे बी ये ज्यादातर आपसे अभी सिद्धांतिक तौर पे बातें करते हैं, फिर ऐसी बातें जो आपके सिर से ऊपर जाती हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि आप इनके वर्क फ्रेंड नहीं हो, आप उनके सोशल फ्रेंड हो सकते हैं या फिर मोर देन फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ या आपके साथ सभी सारी बातें शेयर करें जो आपके सर के ऊपर से गुजरती है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है ओके वो है इज दिस अ ड्रीम एलूसिव सेरेंडिपिटस सीक्रेटिव अनसीन कंसील्ड एंड अनडिस्क्लोज्ड। उनको जो लग रहा है कि जो उनको लग रहा है महसूस हो रहा है क्या वो एक सपना है या हकीकत है, ठीक है, जैसे कि आप इनसे बात करना या फिर आपका इनसे बात नहीं करना। इनको ये भी लग सकता है कि आप किसी और के साथ ही प्यार कर बैठे हो, हालांकि ये सच नहीं भी हो सकता, लेकिन दिमाग खेल खेलता रहता है। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है वी आर पीपल हु ग्रो टुगेदर हील टुगेदर एंड टच आवर टोस टुगेदर, ठीक है, ग्रोइंग इंटीग्रेटिंग एनलाइटेंड ब्लेस्ड लिबरल अलाइंड एंड अनलिमिटेड। चाहते हैं कि आपकी दोस्ती ऐसी हो जिसके आपके यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे एक कपल कि बहुत खुश है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये जो एनर्जी है ना बहुत ही चाइल्डिश इमेच्योर एनर्जी है, और आप अगर इसमें नहीं आते, आप अगर थोड़े से मैच्योर बन चुके हो, कहीं ना कहीं फैमिली की बातें आती है फिर लगातार सीरियस होते रहते तो शायद ये एनर्जी में आप नहीं बैठते। नेक्स्ट जो दो कार्ड आ गए हैं उसमें से पहला कार्ड है 61 रन फॉर योर लाइफ इम्पेशन ओवरवेल्ड एजी डिस्ट्रैक्टेड बॉदर्ड शेकन नर्वस एंड एंशियस। ये ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई उनकी जो जिंदगी है वो टूटने की कगार पर है, ज़्यादा स्मोक करना ड्रिंक करना शुरू हो गया, लग रहा है कि शायद आप इनको छोड़ के चले जाओगे या फिर जो इनका एक बहुत अच्छा जॉब था वो शायद चले जाने वाला है, उनको शायद नोटिस मिला है और इसको लेकर परेशान है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा जॉब जा सकता है, मुझे घर से निकाल जा सकता है, वट एवर फैमिली गुस्सा है, तो बहुत सारी चीज़ें शायद चल रही है उनके दिमाग में इसलिए गुस्सा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इंटीमेसी पैशन एडोरेशन यूफोरिया ब्रेथलेस सेंशुअल लस्ट एंड केयरसिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। अब अगर इंटीमेट आप हो सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये पर्सन उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा है, शायद बहुत समय लग रहा है आपके रिश्ते को मैच्योर होने के लिए और इंटीमेट आप नहीं हो रहे हो, तो ये उनकी अंदर के जज्बात है। अगर आप उनके तरफ से पहले कन्फर्मेशन मांग रहे हो कि भाई गिव मी कमिटमेंट लेट्स डू द कमिटमेंट लेट्स डू द मैरिज एंड वी डू ऑल द थिंग्स, तो ये शायद इसके लिए रेडी नहीं है और इसलिए गुस्सा हो रहा है कि कब दोबारा से आपसे इस तरीके से मिल सकते हैं। इथ रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।